अमा यार कमाल करते हो, फालतू क्यों बैठे हो, ये सोच रहे हो कि 10th स्टैंडर्ड कंटिन्यू करूं या 11th स्टैंडर्ड स्टार्ट करूं, या फिर इस बात का गुस्सा है कि मैंने पूरे साल बहुत मेहनत की है, रातों की नींद कुर्बान की है, पेरेंट्स की मार खाई है, टीचर्स की डांट सुनी है, बहुत सारे सैंपल पेपर्स मैंने सॉल्व कर दिए, गाला, हार्दिक, मार्वल, लिबर्टी, और बहुत सारे लोगों को मुझे कुछ प्रूव करना था, और इन लोगों ने एक ही दिन में सारे जज्बात बदले थे, सारी फीलिंग बदल दी। भाई साहब याद रखो, कोई भी मेहनत फालतू नहीं जाती, इसका फायदा मिलेगा आपको, आगे मिलेगा। आज हम इसी के बारे में कुछ बात करेंगे, और एंड में अगर मैं 10th स्टैंडर्ड में होता तो ऐसे सिचुएशन में मैं क्या डिसाइड करता। सबसे पहले से स्टार्ट करते, 14th अप्रैल को CBSE ने एक अनाउंसमेंट की कि वो 10th स्टैंडर्ड के एग्जाम नहीं लेने वाले, कैंसिल कर दिया उन्होंने एग्जाम। 15th अप्रैल को गुजरात बोर्ड ने एक डिसीजन लाए कि हम क्लास 10 और क्लास 12 की एग्जाम को हम कैंसिल नहीं करेंगे, हम उसको कर देंगे पोस्टपोन। कब तक वो नहीं पता, और ये भी कब, जब इन्होंने थोड़े दिन पहले ये डिसीजन दे दिया था कि हम एग्जाम को कैंसिल नहीं करेंगे, एग्जाम 10 से लेकर 25 मई के बीच में ही होगी। पर पता नहीं क्या हुआ, 15 अप्रैल को ये लोग आए और इन्होंने बोला कि हम एग्जाम को कर दे रहे हैं पोस्टपोन, कब तक वो नहीं पता। इसके साथ इन्होंने ये भी बताया कि हम स्टूडेंट्स को 15 डेज का टाइम देंगे प्रिपरेशन करने के लिए, और दूसरी बार हम 15 मई को मिलेंगे, सिचुएशन देखेंगे, नजरिया लेंगे उसका, उसके बाद ही को डिसाइड करेंगे। अब अगर मैं मोटा मोटा मान के चलूं कि 15 मई को ये लोग डिसाइड करते हैं और सिचुएशन मान लो अंडर कंट्रोल है, जो अभी फिलहाल कंट्रोल नहीं है, पर 15 मई को मान लो सिचुएशन कंट्रोल है, अब ये तो बात की गारंटी है कि 15 डेज का प्रिपरेशन देना है। अगर कुछ डिसाइड करेंगे 15 मई को, तो 1 जून से एग्जाम स्टार्ट होगी, 1 जून से एग्जाम आपकी स्टार्ट हो जाएगी। अब 4 दिन में तो एग्जाम होगी नहीं, टाइम लेगा, जैसे 10 से लेकर 25 तक एग्जाम ली, तो ये 1 जून से लेके अप्रॉक्स 15 जून तक गेम ओवर होगा हमारे एग्जाम्स का, मतलब 1 से लेके 15 जून तक तो सिर्फ एग्जाम्स होंगे, उसके बाद पेपर चेकिंग के लिए जाएंगे। अब भले कितना भी फास्ट प्रोसेस कर दे, 15 दिन में तो कुछ होने वाला है नहीं, 15 जून तक खत्म होगी, ऐसा तो होने वाला नहीं है 30 जून में सब कुछ खत्म हो जाएगा, 15 नहीं कम से कम 30 दिन चाहिए, मतलब 15 जून से लेके 15 जुलाई 15th जुलाई तक सिर्फ पेपर चेक होंगे, और मैं ये मान लेता हूं कि 15 जुलाई तक इन्होंने रिजल्ट भी डिस्प्ले कर दिया। अब बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी हैं कि जो ऐसे स्कूल में पढ़ रहे हैं जहां पे सिर्फ 10th स्टैंडर्ड है, 11th स्टैंडर्ड के लिए उनको कहीं और जाना है, बहुत सारे ऐसे में जहां पे वो 11th स्टैंडर्ड भी पढ़ रहे हैं, अब उनको शिफ्ट करने के लिए, स्कूल में शिफ्ट करना है, एक दो दिन में तो होगा नहीं, वापस एक दो वीक चाहिए, तो मैं 15 जुलाई का एक दो वीक मोटा मोटा मान लेता हूं अगस्त तक पहुंच जाता है, एक दो वीक 15 जुलाई से अगस्त स्टार्ट हो गया, मतलब अल्टीमेटली आपका 11th स्टैंडर्ड स्टार्ट होगा अगस्त से। अब अगर मैं इसके पहले की बात करूं, मैंने अपना 11th स्टैंडर्ड अप्रैल की मिड में स्टार्ट कर दिया था, अब आप सिर्फ गिनो, अप्रैल की मिड, मई, जून, जुलाई और अगस्त में स्टार्ट हो रहा है, मतलब टोटल 3.5 महीने हम पीछे हैं 11th स्टैंडर्ड तक। अगस्त तक 11th स्टैंडर्ड का अर्धा सिलेबस कंप्लीट है अगस्त आने तक, जबकि इधर अभी स्टार्ट भी नहीं हुआ है, मतलब ये 3.5 महीने का गैप कैसे फुलफिल करोगे। बहुत सारे ऐसे बोलेंगे कर लेंगे, अरे भाई कर तो लोगे, लेकिन सिलेबस तो कैंसिल करेंगे नहीं, 11th स्टैंडर्ड का सिलेबस तो कैंसिल नहीं करेंगे, उतना का उतना ही रहने वाला है, 12th स्टैंडर्ड का भी नहीं करेंगे, मतलब प्रॉब्लम्स बहुत सारी क्रिएट हो जाएंगी। अब बात करते कि मैं क्या मानता हूं, अगर मैं 10th स्टैंडर्ड में होता तो मैं क्या डिसाइड करता, मैं तो भाई ये डिसाइड करता कि यार 11th स्टैंडर्ड स्टार्ट कर देता हूं, 11th स्टैंडर्ड फुल फ्लो में स्टार्ट नहीं करूंगा, क्योंकि स्टूडेंट्स को पता होता है कि मुझे 11th में लेना क्या है। अगर आपका डिसीजन फाइनल है कि अगर 11th में मुझे साइंस लेना है, कॉमर्स लेना है, आर्ट्स लेना है, आईटीआई लेना है, डिप्लोमा लेना है, जो भी लेना है, अगर आपका फाइनल है, तो मैं अगर होता तो मैं चालू कर देता, हाँ फुल फ्लो में चालू नहीं करता, मैं पूरे पूरे घंटे पढ़ने नहीं बैठता, लेकिन अगर एग्जाम्पल 6 घंटे मैं पढ़ रहा हूँ, तो उसमें से 3 से 4 घंटे मैं 11th स्टैंडर्ड पढ़ता, बाकी 3 से 4 घंटे मैं 10th स्टैंडर्ड करता। क्यों? क्योंकि ये जो 3 से 4 घंटे का जो एडवांटेज मिलेगा, ये अगस्त आते आते भले हाफ सिलेबस ना कंप्लीट हो, थोड़ा बहुत तो हो जाएगा, तो मुझे अल्टीमेटली एंड में ज़्यादा टाइम मिलेगा और मुझे मजा आने लगेगा। अब ये मेरा ओपिनियन है, मैं ऐसा मानता हूं कि आप लोगों को 11th स्टैंडर्ड स्टार्ट कर देना चाहिए। 10th स्टैंडर्ड जो हो गया सो हो गया, समझ रहा आपको प्रॉब्लम है, बहुत सारे लोगों को कुछ प्रूव करना था, परसेंटेज लाने थे, लेकिन नहीं हो पाया। लेकिन एक बात याद रख लेना, आपकी मेहनत कभी भी फालतू नहीं जाती, भगवान आपकी मेहनत का एक कतरा भी जाया नहीं जाने देगा, उसका फायदा आपको कभी ना कभी होगा, फ्यूचर में कभी भी हो जाए आपको नहीं पता, आप जब होगा, जब आप देखोगे कि हाँ इसका फायदा इधर हुआ है, फायदा तो होगा, लेकिन अगर आप मेरी बात मानो तो आपको 11th स्टैंडर्ड स्टार्ट कर देना चाहिए। फुल फ्लो में स्टार्ट मत करो, धीमे धीमे स्टार्ट करो, 2-3 दिन घंटा बुक लेके आओ, पढ़ना चालू कर दो, जिससे अल्टीमेटली अगस्त आते आते आपको फायदा मिले, और अगस्त ये जो पूरा गुस्सा है आपका 10th स्टैंडर्ड का, जो आपको स्कोर करना था, सारा गुस्सा निकाल दो 12th स्टैंडर्ड पे, और 12th स्टैंडर्ड को छोड़ दो।
बहुत सारे लोग उसे डिसएग्री करेंगे कि क्या बोल रहे हो भैया, अगस्त आते आते हम कुछ देख लेंगे। आप देख तो लोगे लेकिन कर नहीं पाओगे। मुझे पता है 10th स्टैंडर्ड कहां पर है, 11th स्टैंडर्ड कहां पर है, इसलिए बोल रहा हूं 10th स्टैंडर्ड छोड़ो और 11th स्टैंडर्ड स्टार्ट कर दो। अगर किसी स्टूडेंट को इसी में प्रॉब्लम है कि मैं 11th स्टैंडर्ड में साइंस लू, कॉमर्स लू, आर्ट्स लू, आईटीआई ले लू, डिप्लोमा ले लू, तो आप अपने प्रॉब्लम को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर पॉसिबल होगा तो वहां पे सोल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा, वरना आप इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। एज अ भाई के नाते जो भी सोल्यूशन मेरे पास अवेलेबल होगा वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और उनको भी बोले कि वो भी 11th स्टैंडर्ड स्टार्ट कर दे। दबा के सैरो लाइक ठोकिए महाकाल के आशीर्वाद से, और आपको मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ एंड टेक केयर।